हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले तो आप सभी को मेरा गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्कार और कुमाऊनी लोगों को मेरा दिल से पहला स्वागत करती हूँ एक बार फिर मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल मस्त हूँ। तो अभी हो गई है मेरी पूजा वगैरह, सब कुछ हो गई है, तो अब चलते हैं बेटू को देखते हैं पहले तो वो क्या कर रही है, क्योंकि वो अभी सोई हुई है। तो अभी मैं पहले उसको जाके देख लेती हूँ कि वो क्या कर रही है। तो अभी यहाँ पर हम लाइट बंद कर देती हूँ मैं, तो चलते हैं रूम पे और देखते हैं बेटू को कि बेटू क्या कर रहा है। ये देखिए, आज तो बेटू अभी तक सो रही है। तो बेटू जो है वो अभी सो रही है, ये देखो, पूरा बेड छोड़कर ये बिल्कुल किनारे पे चली जाती है। पता नहीं इसको क्या अच्छा लगता है उधर। तो चलिए बेटू को सोने देते हैं हम, ये मच्छर ना आए इस वजह से लगा रखा है। तो बेटू को हम सोने देते हैं, तो अभी मैं चलती हूँ, तब तक हम चलते हैं नीचे। अभी बजने वाले हैं सुबह के 8 और देखो मेरी बिट्टो रानी नहा धो के बिल्कुल रेडी है ना बाबू? ये देखो मेरी बिट्टो रानी बिल्कुल रेडी है बाबू। नूनू, हाँ बोल दो कुछ। ये देखो, ये मेरी ड्रायर के साथ खेल रही है यहाँ पर। बाबू उसको मुंह पे नहीं डालते, जब आपके बाल बड़े हो जाएंगे ना तो फिर इसे सुखाया करूंगी, ठीक है? अभी तो उसके बाल ही नहीं है। तो अभी सुबह का काम वगैरह भी सब कुछ निपट गया है और बेटू फिर से सो गई है। वो नाश्ता वगैरह करने के बाद 10 बजे फिर से सो जाती है। तो मैं भी फटाफट से थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ और उसके बाद मेरे को जाना है आज टेलर के पास। तो जो मैंने वहां पर कपड़े दिए थे सिलवाने के लिए वो सिल चुके हैं, तो फटाफट से लेके आ जाती हूँ। और तो सारे, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा तो सब कुछ सेट करके रखना पड़ेगा पहले से, तो फटाफट से टेलर के पास जाती हूँ, कपड़े वगैरह अपना लेके आ जाती हूँ। बेटू के कपड़े सेट हो गए हैं, मतलब उसकी सारी शॉपिंग हो गई है। थोड़ा बहुत छोटी मोटी शॉपिंग्स और बची हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि शॉपिंग तो कभी ख़त्म होती ही नहीं है। तो अभी मैं, बेटू सो गई है, तो अभी मैं फटाफट से कपड़े ले आती हूँ अपने। तो अभी मैं आ गई हूँ कपड़े लेने के लिए, तो स्कूटी मैंने खड़ी कर दी है। ये है टेलर भैया की शॉप। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं भैया ने कपड़े रेडी करे हैं या नहीं। तो यहाँ पर मिल चुके हैं मुझे मेरे सारे कपड़े, तो अब चलते हैं फटाफट से घर। अभी बना रही हूँ मैं दिन का खाना, तो ये मैंने चढ़ा रखा है चावल। इसमें है मेरे बेटू की खिचड़ी, तो उसको दिन में खिचड़ी खिला देती हूँ। और इसमें मैं बना रही हूँ करी, तो आज बना रही हूँ हमारे लिए, मेरे और मम्मी जी के लिए करी चावल और बेटू के लिए खिचड़ी। तो फटाफट से अब मैं करी भी चढ़ा देती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो अभी चढ़ा दिया है मैंने दिन का लंच, तो चावल भी बन गया है और बेटू की खिचड़ी भी बन गई है और करी मैंने यहाँ पर चढ़ा दी है। तो मम्मी और बेटू गए हैं, हमारे ही गली में किसी की कथा है तो वहां पर गए हैं। तो अभी हो गया दिन के लंच का टाइम, तो अभी मैं उनको फोन करूंगी अगर नहीं आएंगे थोड़ी देर में, तो क्योंकि बेटू का खाने का टाइम हो जाएगा। तो फोन करती हूँ उनको कि लंच हमारा तैयार है। आज नाइट के डिनर में मैंने बनाया है मटर पनीर की सब्जी। ये देखिए, ये मैंने मटर पनीर की सब्जी बनाई है। मम्मी भी कीर्तन वगैरह में गई थी, तो बेटू को पकड़ने वाला भी कोई नहीं था। इसमें दाल है और मैंने आटा भी गूंथ लिया है, तो वो परेशान कर रही थी, तो मुझे उसको पकड़ के ही खाना बनाना पड़ा, इसलिए शूट भी नहीं कर पाई।
तो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग में बस इतना ही। तो अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक रखिए अपना ध्यान। बाय बाय फ्रेंड्स।